सबके सब। अरे लक्ष्मण भी पैनल में नजर आ रहे हैं आज। टॉप कॉल के बाद लक्ष्मण के पास भी चलेंगे जीएसटी काउंसिल मीट के सारे डिटेल्स को लेकर। लक्ष्मण को स्टॉक पिक देने भी आए क्या? नहीं नहीं, मैं कल तो जीएसटी मीट आउटकम पे होंगे। गाबा सर गुड मॉर्निंग, आज का प्रिफर्ड टॉप कॉल कौन सा? गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग पैनलिस्ट को, गुड मॉर्निंग। आज का जो टॉप कॉल है डिफेंसिव बेट है, वो है इंडियन होटल। इसका जो बेसिक चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, कंसोलिडेशन जोन पर है करीब दो हफ्ते से, और दिखा रहा है कि थोड़ा बायस अपसाइड है। ट्रेड कर रहा है 666 पर, स्टॉप होगा 659 का, 6 रुपीज का। मेरे ख्याल से टारगेट इसका 680 होना चाहिए। सेफ बेट है, आसपास मिले तो लेना चाहिए, डिप भी मिले तो ले सकते हैं। सेफर बेट इंडियन होटल। ओके, इंडियन होटल सेफ बेट गाबा सर की तरफ से आज के लिए आपकी ये हो गई टॉप ट्रेड। कविता जी के पास चलते हैं। कविता जी गुड मॉर्निंग। कविता जी आपकी ट्रेड। वेरी गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बिल्कुल, बैंक निफ्टी में बहुत अच्छा हमने रिकवरी देखा, और मुझे बैंक निफ्टी से ही अभी अभी आप बात कर रहे थे, एक्सिस बैंक की मेरा टॉप कॉल है। 1170 के लेवल पर कल इसने क्लोजिंग दिया है। अगर इनकी ऑप्शन एक्टिविटी देखें तो अराउंड 1200 तक, इवन 1220 तक कॉल राइटर्स जो है वो बैक फुट पे गए हैं, ओपन इंटरेस्ट कम होता हुआ दिखा है। सो यहाँ एक अच्छा मूव बनता हुआ दिख सकता है। 1160 के स्टॉप लॉस के साथ 1200-1220 के प्राइस टारगेट के लिए एक्सिस बैंक चल सकती है। बैंक निफ्टी रडार पे, उसमें प्रेफर्ड ट्रेडिंग आइडिया एक्सिस बैंक आज का कविता जी का। आज मानस, अच्छा मानस तो पूरी छुट्टी पे चल रहे हैं। सतपुत्र साहब गुड मॉर्निंग, आज का टॉप कॉल सर। वेरी गुड मॉर्निंग आशीष जी, अनुज जी गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी देखिए सेक्टर वो कल वाला ही रहेगा एफएमसीजी। मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया ब्रेकआउट कल यहाँ पे मिला। आप कह सकते हैं कि नए टारगेट्स, नए ब्रेकआउट्स अनफोल्ड हो रहे हैं। तो जो चार्ट दिख रहा है उसमें तो ब्रिटानिया डेफिनेटली टॉपिक था, लेकिन अनुज जी ने डिस्कस कर लिया तो मैं एचयूएल की बात करूंगा। एचयूएल में भी कल एक बड़ा ब्रेकआउट हुआ है, जिसका टारगेट अगर आप शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे देखें तो मुझे लगता है 3100-3150 तक का मूव मिलना चाहिए। कल इसका जो क्लोज था वो 2900 के ऊपर है, तो आज कोई भी वीकनेस आता है तो 2900 के ऊपर बाय करने की चेष्टा करें। स्टॉप लॉस लगेगा 2870 का। सामने स्विंग ट्रेडिंग का टारगेट होगा 3000 के आसपास का। 3000 सरपास करे फिर नए टारगेट अनफोल्ड होना शुरू करेगा। तो एचयूएल इज अ बाय। HUL, वैसे सतपुते साहब ने कहा था FMCG डिप्स पे खुलेगा तो खरीदने का मन है पूरे स्पेस रडार पे, और एक FMCG स्टॉक कल का टॉप कॉल भी था, मैं याद ही कर रहा था कल। वाकई FMCG ने बहुत बढ़िया मूव्स दिए, HUL तो हाईलाइट था, 3% तक की तेजी थी। आज भी रडार पे FMCG है, आज भी रडार पे HUL को लेकर तो अब खबरें आ रही हैं। वो आइसक्रीम बिजनेस जो अलग करने वाले हैं, लंबी खरीदारों की लिस्ट सामने आ गई है। हाँ, सबको चाहिए और सबको चाहिए। एक्चुअली आई थिंक 2-3 दिन पहले मैंने भी बात की थी स्टॉक की, क्योंकि वो क्रूड के जो गिरावट थी उसकी वजह से एक एल्गो ट्रेड यहाँ पर ट्रिगर हुई थी, और वो लीवर ने देखिए आप पिछले एक साल में कुछ नहीं किया था, अब शायद मूव आने शुरू हुए हैं। एक साल से मेरे ख्याल से ये स्टॉक इसी रेंज में घूम रहा है। ये 12 महीने का चार्ट है देखिए, तो उससे पहले कुछ, ये जो 7-8% तो पिछले 3-4 दिन में आ गए, उससे पहले स्टॉक ने कुछ भी नहीं किया था। ये देखिए इस साल का मूव है 10%, इस साल 10% में 7% पिछले 3 दिन में आया, तो वो मतलब क्लियरली एक राउंडिंग बेस फॉर्मेशन बनाकर एक ब्रेकआउट दे रहा है स्टॉक, तो वो एक क्लियर कट मूव है यहाँ पर। चलिए आशीष भैती के पास चलते हैं। आशीष जी गुड मॉर्निंग, आशीष जी आपकी ट्रेड। गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अनुज जी मेरी ट्रेड रहेगी यूएसएल पे, खरीदारी की सलाह रहेगी। चार्ट स्ट्रक्चर काफी अच्छा बना हुआ है, हाईएस्ट एवर क्लोज दिया है यूएसएल ने, और जिस इन लेवल्स पे भी जो वॉल्यूम्स है वो काफी रिमार्केबली हाई है। पिछले 4 दिनों के एवरेज से डबल वॉल्यूम था, और 63% डिलीवरी वॉल्यूम्स दिखे हैं इन लेवल्स पे, तो मैं लग रहा है यहाँ से एक अच्छा मूव देखने मिल सकता है। 1470 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की सलाह है, 1530 एंड 1560 के लेवल्स के लिए। यूनाइटेड स्पिरिट्स है बहेती साहब की आज की प्रेफर्ड पिक। ये पूरा FMCG पैक बढ़िया मूव कर रहा था, ये उसी में इसको भी शुमार कर लीजिए। सेठ साहब गुड मॉर्निंग, सेठ साहब आज का आपका टॉप कॉल। जी गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। आशीष जी मेरा आज का टॉपिक रहेगा वोल्टास। वोल्टास का अगर स्ट्रक्चर देखे तो काफी पॉजिटिव स्ट्रक्चर है, यहाँ पे हमने एक अच्छी खासी रैली देखी। पिछले 3-4 सत्रों से हमने देखा कि स्टॉक साइडवेज कंसोलिडेशन में था, काफी नैरो रेंज में, और 10 EMA से इसने एक थ्रस्ट कल जनरेट किया। तो वोल्टास में मेरी बाय कॉल रहेगी, प्राइस इसका 1818 का, टारगेट्स रहेंगे 1850 एंड 1875 के, और स्टॉप लॉस रखूंगा 1790 रुपए का। ओके, तो चलिए ये बात हुई वोल्टास की। अब चलते हैं गौरांग के पास, एक मिड कैप
एक या सॉरी फंडामेंटल एक आइडिया के लिए। गुरांग जी गुड मॉर्निंग, बताइए आपका पसंदीदा स्टॉक। धन्यवाद अनुज जी, आपका सभी को प्रणाम और शुभ प्रभात हमारे तरफ से। तो वित्तीय क्षेत्र में एनबीएफसी में हमने श्रीराम फाइनेंस को खरीदारी की राय तो पहले से ही थी, लेकिन लक्ष्यांक में ऊपर की तरफ का परिवर्तन हुआ है अनुज जी। 3650 तक के लक्ष्यांक निर्धारित किए हैं लंबी अवधि में, और जिस प्रकार से कारोबार को लेकर के टिप्पणियां मैनेजमेंट के तरफ से आई है, हमें लग रहा है कि नतीजों में बहुत बड़ा परिवर्तन आपको इस नए वित्तीय वर्ष 2025 के दूसरे आधे हिस्से में यानी कि तीसरी तिमाही से शुरू करके उसके पश्चात जो सुधार की गति है वो और तीव्र होती हुई नजर आएगी। श्रीराम फाइनेंस कल एक ब्रोकरेज का अपग्रेड, स्टॉक 2.5% ऊपर, आज फिर रडार पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ग्रोथ प्लान्स पे। गौरांग सर ने और उनकी टीम ने इसके टारगेट्स यानी कि लक्ष्यांक बढ़ा दिए, रखिए रडार पे। खैर क्विकली टॉप कॉल सारे के सारे ले आता हूँ स्क्रीन पर। गाबा सर एक सेफ बेट उनके हिसाब से इंडियन होटल्स है, उसके साथ जा रहे हैं, खरीदारी करने का कॉल है 659 के SL के साथ। कविता जी को बैंक्स पसंद आ रहे हैं और उसमें सबसे अच्छा लग रहा है एक्सिस बैंक, 1160 के स्टॉप के साथ खरीदना है। सतपुते साहब फिर से FMCG पे ही दाव लगा रहे हैं, HUL आज रडार पे सबसे प्रेफर्ड आइडिया के तौर पे, वैसे ब्रिटानिया भी था और HUL भी था, 2870 के लक्ष्य के लिए सॉरी 2870 के SL के साथ खरीदारी करने का मन है। बहेती साहब यूनाइटेड स्पिरिट्स के साथ जा रहे हैं मंगलवार के दिन, 1470 का स्टॉप है, 1560 तक के इवेंचुअल टारगेट्स। सेठ साहब ने वोल्टास पसंद किया है, 1790 का स्टॉप लॉस लगाइएगा वहां पे, खरीदिएगा। और श्रीराम फाइनेंस गौरांग से उनकी टीम का मानना है इन लेवल्स पे गिरावट पे एक्यूमुलेट किया जा सकता है, खरीद के चलिए, लक्ष्य है 3650 तक। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।